हेलो एवरीवन, वेलकम टू खानसा खानसामा। आज हम बहुत ही तीखा, खट्टा और चटपटा सा अचार बनाएंगे। यह अचार हम नींबू, गाजर और हरी मिर्च से बनाकर तैयार करेंगे। यह अचार खाने में जितना ही अच्छा लगता है, उतनी ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए इस बेहतरीन से अचार की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो अचार बनाते वक्त सबसे पहला और ज़रूरी पॉइंट, आप जिन भी चीज़ों का अचार बना रहे हों उसे आप धोकर बहुत ही अच्छे से कॉटन के कपड़े से पोंछकर सुखा लें। साथ ही आप जिन बर्तनों का यूज़ करें वो बर्तन आपके साफ़ और सूखे होने चाहिए, इससे आपका अचार जल्दी ख़राब नहीं होता। अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के गाजर लिए हैं और इसे इस तरह से पतला पतला और छोटा छोटा काट लिया है। 1/2 किलो मैंने नींबू लिए हैं और इसे इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। आप इसे इससे छोटा भी काट सकते हैं या आप नींबू के 2 टुकड़े भी कर सकते हैं। और साथ ही मैंने 200 ग्राम हरी मिर्च ली है और इसे मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। आप इसे छोटा बड़ा कैसे भी काट सकते हैं। अब हम अचार में कुछ मसाले मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच चिली फ्लेक्स ली है, आप इसकी जगह लाल मिर्च भी ले सकते हैं। 2 बड़े चम्मच ही हल्दी ले लें। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर नमक लिया है, 1 बड़ा चम्मच मैंने काला नमक लिया है और 1 बड़ा चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। नींबू के अचार में काली मिर्च का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसे अचार में ज़रूर ऐड करें और इस सारे मसाले को अचार के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। अचार में नमक थोड़ा खुलता ही हुआ ऐड करें, क्योंकि नमक भी आपके अचार को लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व करता है, सुरक्षित रखता है। सारे मसालों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लें। तो चलिए कुछ देर के लिए हम इसे बंद करके साइड में रख देते हैं और अचार के लिए अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। अचार का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच मेथी ले ली है, 1 बड़ा चम्मच ही हमें यहाँ पर रायका ले लेना है, 1 बड़ा चम्मच मसाले वाली सौंफ ले लेनी है और 1 बड़ा चम्मच ही हमें यहाँ पर धनिया के बीज ले लेने हैं। साथ ही 1 छोटी चम्मच हमें कलौंजी ले लेनी है और 1 छोटा चम्मच हमें अजवाइन का ले लेना है। साथ ही 2 छोटे चम्मच हमें यहाँ पर ज़ीरा ले लेना है। अब इन मसालों को 3 से 4 मिनट के लिए हमें भून लेना है चलाते हुए। इन मसालों को हमें बस इतना भूनना है ताकि इन मसालों की नमी ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा ओवर रोस्ट नहीं करना है, वरना इन मसालों की एक्चुअल अरोमा ख़त्म हो जाएगी। और ये देखिए हमारा मसाला भुनकर तैयार है। अब इन मसालों को हम जार में डालकर थोड़ा दरदरा सा पीस लेंगे। ये अचार जिसमें नमक और हल्दी मिलाकर हमने साइड में रखा था, इसे मैंने अब एक बड़े और फैले हुए बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है ताकि हम इसमें आराम से मसाले मिला सकें। अब हमने जो अचार का मसाला बनाया हुआ था इसे हम अचार के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ ही अगर आपको हींग का टेस्ट पसंद हो तो यहाँ पर आप 1 छोटा चम्मच हींग का ऐड कर सकते हैं। अचार को मार्केट जैसा लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करा है। कश्मीरी लाल मिर्च की एक ख़ास बात है, ये मिर्च बिल्कुल भी तीखा नहीं होता, इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है। अब सारे मसालों को अचार के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 कप सरसों का तेल गर्म करके ठंडा कर लिया था, इसे अब अचार के साथ ऐड कर देंगे और मिलाने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अचार हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे किसी साफ़ और एयरटाइट जार में स्टोर करें। यह अचार जितना ही पुराना होता है उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, तो इसलिए आप इसे 2 हफ्ते के लिए धूप में ज़रूर रखें। धूप में रखने से इसके सारे मसाले अच्छे से एक्टिवेट हो जाएंगे। हमने जो इसमें नींबू ऐड करे हैं तो नींबू के छिलके भी नरम हो जाएंगे और नींबू से नींबू का जूस रिलीज़ होगा, जिससे हमारा सारा अचार खट्टा, टैंगी और चटपटा सा हो जाएगा। तो इसलिए आप इसे 2 से 3 हफ्ते के लिए धूप में ज़रूर रखें। ये देखें, मैंने अपने अचार को इस तरह से एयरटाइट जार में स्टोर करा है। अचार बनने के बाद कभी भी आप अचार को निकालें तो सूखे और साफ़ चम्मच से निकालें और बीच बीच में आप अचार को हिलाते रहें, इससे आपका अचार महीनों ख़राब नहीं होगा। आपको मेरे अचार की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।